किसी जमाने में बीजेपी में बड़ी भूमिका निभा चुके संजय जोशी की प्रधानमंत्री मोदी से खटास जग जाहिर है, लेकिन बीच बीच में उनके समर्थक बीजेपी में उनकी वापसी के लिए पोस्टर का सहारा लेते रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्टर आज फिर दिल्ली में लगाया गया। बीजेपी में एक बार फिर संजय जोशी के नाम पर छिड़ा पोस्टर वॉर। पीएम मोदी के विदेश से लौटते ही संजय जोशी के समर्थन में लगे पोस्टर। इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर लगाए गए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह के साथ संजय जोशी वाले इस पोस्टर में बीजेपी में संजय जोशी की वापसी की मांग की गई है। पोस्टर में देखिए कि क्या लिखा है। पहले हो अपने घर से शुरुआत, फिर जाओ जनता के पास, करते हो भाजपा में लोकतंत्र की बात, तो फिर संजय जोशी जिंदाबाद। बीजेपी में कभी महासचिव के पद पर रहे संजय जोशी की वापसी को लेकर मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है और इसको लेकर दिल्ली में जगह जगह पर उनकी वापसी को लेकर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए। खास बात यह है कि ये पोस्टर पहले की ही तरह पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद लगाए गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि संजय जोशी के लिए ऐसे पोस्टर लगे हों। इसी साल 6 अप्रैल को भी संजय जोशी के जन्मदिन पर पोस्टर लगे थे। इसमें संजय जोशी को बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जन्मदिन की बधाई दी गई थी, लेकिन ये बात आला कमान को नागवार गुजरी थी, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री को सफाई तक देनी पड़ गई थी। संजय जोशी के जन्म दिवस पर पोस्टरें लगाई गई थी कुछ मंत्रियों की तरफ से और कुछ सांसदों की तरफ से, तो भी कार्रवाई की बात सामने आई थी। यहां तक कि एक मंत्री के पीए तक की नौकरी चली गई थी। हालांकि पोस्टर विवाद के बीच संजय जोशी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि नरेंद्र मोदी मेरे नेता हैं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और रहूंगा। पोस्टर वॉर के बीच खबर ये भी है कि दिल्ली के जिस घर में संजय जोशी रहते थे वहां का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। CPWD के अंतर्गत ये बंगला आता है, लेकिन अभी तक ये सरेंडर नहीं किया गया है। अलॉटमेंट है ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नाम पर, और वीरेंद्र कुमार अब यहाँ नहीं रहते, कहीं और चले गए हैं। इस वजह से वो इसे अब सरेंडर करना चाहते हैं। संजय जोशी बीजेपी और RSS में कई अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से मतभेद के बाद उन्हें पार्टी से किनारे कर दिया गया। दोनों के बीच 1998 में मतभेद की शुरुआत हुई थी। शंकर सिंह वाघेला की बगावत के बाद मोदी को किनारे करके संजय जोशी को गुजरात बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन 2001 में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद संजय जोशी का कद घटता चला गया। 2012 तक ये खटास इतनी बढ़ गई कि मोदी के विरोध के चलते संजय जोशी को इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में संजय जोशी के चाहने वाले नहीं है, संजय जोशी के समर्थक ही हैं जो बार बार उनके हक में आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं।